दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम एमएस एक्सेल में कोई डेट पिकर या फिर कोई स्पेसिफिक कैलेंडर कैसे ला सकते हैं। सो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम ब्राउज़र पे, जहाँ पे हम सर्च करेंगे एक्सेल डेट पिकर। इस पे क्लिक करने के इसको सर्च करने के बाद हमारे सामने काफ़ी ऑप्शंस आएगी और हम क्लिक करेंगे एक्सेल डेट पिकर पे। और इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक मतलब पेज ओपन होगा, जहाँ पे डाउनलोड वाली जो ऑप्शन है वो हमारे सामने आएगी। उस पे हमें इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद हमारे सामने ऐसा एक जो कैलेंडर है वो ऐसा ही ओपन होगा हमारे एमएस एक्सेल में। ठीक है, एमएस एक्सेल में ओपन करने के बाद दोस्तों हमें बिल्कुल ऊपर जाएंगे और हमें क्लिक करना है एक्सेल ऑप्शन के, और इसके बाद हमें क्लिक करना है एड्स इन पे। और नीचे एड्स जो मतलब एक्सेल एड्स, हम यहाँ पे गो को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ब्राउज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ब्राउज करने के बाद जहाँ भी आपने इसको मतलब कि डाउनलोड किया है, ठीक है, जहाँ भी आपने इस फाइल को जो हमने अभी अभी हमें डाउनलोड किया था उसको आपको क्लिक करना है, जैसे कि JRDSP। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि पहले से ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे एड्स इनका जो रिवन है जो टैब है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आज की जो डेट है, आज का जो तारीख है वो अपने आप यहाँ पे आ चुकी है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मतलब जो कैलेंडर है वो अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप कोई भी जहाँ पे डेट मतलब कि भी कोई क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने 2/5 और 1965 हमने जहाँ पे क्लिक कर दिया। और जैसे इस पे क्लिक करने के बाद आपको बिल्कुल ऊपर जाना है, जहाँ पे 5th, 1965. मतलब कि जिसका जो रिबन है वो एडसन भी होना चाहिए। इस पे हम क्लिक करेंगे और देखो जहाँ पे अपने आप जो कैलेंडर है वो जहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।